सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन ने बिजनौर में दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे 119 और नेशनल हाईवे 74 सहित कई दर्जनों से ज्यादा रास्तों पर धरना देकर जाम लगा दिया। वहीं आपको बताते चले कि किसानों ने इस चक्कर जाम की वजह जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का साफ कहना है कि अगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया तो किसान 21 दिसंबर को इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सरकार के द्वारा 3 साल से गन्ने के भाव में कोई वृद्धि नहीं की गई, उसके विरोध में आज चौधरी नरेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करके किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि भाई रेट नहीं बढ़ाया गया, या तो रेट को बढ़ाओ नहीं तो फिर 21 तारीख को फिर हम प्रदर्शन करेंगे जिला कलेक्ट्रेट पर। तो उसी को लेकर, मूल्य वृद्धि को लेकर जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में चक्का जाम है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन करके किसान मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे गन्ने के जो दाम बढ़ाए जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या लगता है? नहीं, लगातार विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। 21 तारीख में पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 21 तारीख को प्रदर्शन होंगे, फिर 1 तारीख को प्रदर्शन होंगे, फिर अगले महीने की 15 तारीख को प्रदर्शन होंगे। ये प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक सरकार हमारे बारे में चिंता नहीं करती है, सोचती नहीं है। किसान के बारे में चिंता और चिंतन करना सरकारों ने खत्म कर दिया। हर चीज़ पर लगातार महंगाई बढ़ी, लेकिन किसान की फसलों के दाम जहाँ के तहाँ रुके हुए, किसान लगातार गरीब होता चला जा रहा है। किसान की हालात बहुत ख़राब है। सड़कों पर जाम लगाना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। आज मजबूरी के कारण हमें सड़कों पर आना पड़ा, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आकर जाम लगाएं। मजबूरी के कारण आज सड़कों पर आना पड़ा, और ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे।